तो वो हमारे साथ भसीन जी जुड़ चुके हैं। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे मार्केट्स पे ही राय जानना चाहेंगे कि जो पिछला हफ्ता था, जैसा कि आप हमारे दर्शकों को गाइड भी कर रहे थे कि काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहेगा, गिरावट आते हुए दिख सकती है, पर क्या ये हफ्ते एक रीबाउंड की उम्मीद करें? क्या नज़रिया बन रहा है मार्केट्स पे? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक, बिल्कुल। देखो, आपको भाई 700-800 पे कहा था, घर पैसा ले जाओ, पैसा वो है जो घर आ जाए, आप समझे। और उसके बाद जब मौका आता है, मेरे को भी लगा था मौका आएगा जल्दी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि एक हफ्ते में ही मौका आ गया। तो मेरे हिसाब से इतनी जल्दी करेक्शन जो थी वो अनवॉरंटेड, क्या वॉरंटेड थी, लेकिन इतनी शार्प और फिरोशियस बुल मार्केट में ऐसा होता है। अब आपके लिए तीन चीजें हैं, एक अच्छा मॉनसून, भी अच्छी अर्निंग्स, थ्री जो जो अटकली है 60% और 55। मैं सेफोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, मैं वोटिंग पे बस, लेकिन ग्लोबल क्यूज को आप कैसे इग्नोर करेंगे? डाउ न्यू हाई पे जा रहा है, बॉन्ड यील्ड घट रही है, तीन रेट कट है, तो ये मौका फिर नहीं आएगा। हाँ, वॉलिटिलिटी आपके साथ जो है, मेरे हिसाब से कल और परसों से वॉलिटिलिटी थमेगी। वॉलिटिलिटी इंडेक्स हैज पीक्ड अकॉर्डिंग टू मी, इट विल ओनली कम डाउन, मीनिंग मार्केट स्थिर हो जाएगी, एक ही दिन में बढ़ेंगी नहीं, लेकिन स्थिरता अगर आ जाए तो इन्वेस्टर को उसकी ज्यादा जरूरत है। तो सृष्टि जी, मैं अभी भी सोचता हूँ कि 14-15 से बाजार की डायरेक्शन अपवर्ड है, और मुझे बहुत एक स्वीट रैली मे बी एंड ऑफ द मंथ तक दिखती है, जब सारी अटकलियां हो जाएंगी। देखिए, द पावर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स इज सुप्रीम। 20-21 हज़ार करोड़ का सिप है, नए फंड लॉन्चेस है, नए बुक, तो ये सब बता रहा है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास रिटेल फ्लोस की वजह से चल रही है। फॉरनर्स का तो बरसाती मेंढक है, जब मौका मिलता है आएंगे, जब नहीं मिला, जहां भी जाना है, चाइना जा रहे हैं, वो उनकी इच्छा है। मुझे लगता है इंडिया इज नॉट वन मार्केट विच यू कैन इग्नोर, तो ये मौका लेने का है। माइंड कीजिए, 14-15 तारीख को पहले भी आपको कहा था, ले लीजिए फ्राइडे को, ये मौका फिर नहीं आएगा। जो आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स है उनमें धीरे धीरे एंट्री कीजिए, and as we go forward, once we are above the wall of worry of the election, market should be supreme. ठीक है, तो भसीन साहब, आज आपके लिए, आपके तरफ से शेयर कौन से होंगे सर, कहां पर आप दाम लगाने की सलाह देंगे? पहली बात तो बता दूं, वेदांता आपको बहुत जोर से कहा था, 260, 300, 320, 400, 395, 700, कल न्यू हाई मारना है 420, आज वेदांता 420 के ऊपर ही जाएगा, तो वेदांता में बने रही है 475 का नियर टर्म, ईयर एंड 750 का टारगेट जब 6 कंपनियों का डीमर्जर हो जाएगा, ये एज ए डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में भी है। दूसरा, फिर मैं रिएट्रेट करता हूँ, कोल इंडिया के रिजल्ट बहुत शानदार हैं, मर्चेंट पावर में 25% जो बेच रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, 525 का टारगेट अभी भी कायम है, 485 का नियर टर्म। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभिषेक जी, रोज नए आइडिया देना भी मुश्किल है, और जिसमें हमारे को कन्विक्शन है उसी में पैसा ज्यादा बनता है। लोग बाग ने हर बारी स्टेट बैंक को 550 की जगह दूसरी तरफ देखना शुरू किया, लेकिन स्टेट बैंक ही 850 हो गया। तीसरा, मैंने आपको इंजीनियर्स इंडिया दिया था, 215-17 में आंखें बंद करके लीजिए, 275 का पहला टारगेट, और एक साल के लिए रखेंगे तो 350 का टारगेट। आज की टॉपिक अगेन कोल इंडिया है, मेरे को नैलको बहुत पसंद है, क्योंकि एल्यूमिनियम में, बॉक्साइट में उस जैसा प्लेयर वर्ल्ड में नहीं है, तो नैलको इज हेडेड टू 160-167 का स्टॉप। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय फेवरेट शेयर, 112 रुपए में, 111 में प्लेसमेंट हुई 4,000 करोड़ की विद वारंट ऑफ इंडिया बुल, 115-17 में आपके पास फ्लोर प्राइस है लोअर की, यहां से 150 रुपए का भाव आपको बहुत जल्दी दिखेगा। 22 तारीख को इसकी डीमर्जर की बात एनसीएलटी में है, ये एक नो ब्रेनर है, 150 का पहला टारगेट, एक साल रखे तो 250। ठीक है, ये तीन शेयर, उसमें से कुछ आपको रेपुटेशन लगेंगे, लेकिन भसीन साहब ने जो बात कही कि जहां पर कन्विक्शन हो उनके साथ जाइए, कोल इंडिया वही वाला शेयर है, इंडिया बुल्स रियल और नालको, ये तीन शेयर भसीन साहब की तरफ से। चलिए अब नतीजों का विश्लेषण करेंगे एक एक करके, और लेकर आएंगे अपना खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट। और भसीन साहब रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, अब तो रिजल्ट सीजन खत्म होने की ओर है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आती है तारीख 15 तारीख वाली,
तो नतीजों का जो लिस्ट है ना वो बढ़ती जाती है। आज भी लंबी लिस्ट है, फटाफट एक एक करके राय लेंगे और क्विक फायर अंदाज में एक एक इस पर रणनीति आपकी बनाएंगे। बसीन साहब, शुरुआत करेंगे कल्याण ज्वेलर से। नतीजे इसके ठीक ठाक दिख रहे हैं, प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है, हालांकि मार्जिन थोड़ा सा कमजोर है। कल्याण ज्वेलर्स कैसे लग रही है कंपनी आपको, नतीजे कैसे लग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल रिजल्ट अच्छे हैं, टाइटन के भी रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन क्या है, ये स्लैक सीजन है, यहाँ से अक्टूबर नवंबर तक, नवंबर तक कोई शादी का सीजन नहीं है और अक्षय तृतीय हो गई, तो बेस्ट ऑफ द सीजनल फैक्टर हैज प्लेड आउट। और जैसे जैसे सोने का भाव बढ़ेगा अभिषेक जी, उसकी डिमांड में कटौती होती है, बढ़ती नहीं है, तो होल्ड है, अगर आपके पास है डोंट चेस दिस स्टॉक। ठीक है, होल्ड है आपके लिए कल्याण ज्वेलर्स का। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इसमें नतीजे आए हैं अच्छे, हालांकि प्रॉफिट पर थोड़ा सा दबाव है, मार्जिन पर भी दबाव है, लेकिन अच्छे नतीजे हैं, रेवेन्यू में करीब करीब 8-8.5% के आसपास कुछ हाले। फिनोलेक्स ये कंपनी कैसी लगती है भसीन साहब आपको? दोनों फिनोलेक्स इंडस्ट्री, फिनोलेक्स केबल बहुत अच्छी लगती है। फिनोलेक्स केबल हमारे यहाँ काफी देर से है, वो हमारा बेस्ट प्रॉक्सी प्ले था ऑन द एक्सपेंशन इन केबल नेटवर्क एंड सो ऑन। फिनोलेक्स इंडस्ट्री भी होल्ड है। फिनोलेक्स केबल में मैं जरूर कहूंगा, कोई भी डिक्लाइन लीजिए तो लीजिए, क्योंकि जिस तरह से हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटी बढ़ रही है, फिनोलेक्स केबल इज अ मार्केट लीडर देयर। अमल फार्मा अगला शेयर हमारे लिस्ट में, प्रॉफिट इसका भी डबल हुआ है और मार्जिन भी बढ़िया से इंप्रूव किया है पिरामल फार्मा ने, इसको बना के रखें, किसी के पास अगर नहीं है तो खरीदें इसको। 100% 70 वाला 140 हो गया है एक साल में मेरा, मैंने इसको बहुत जोर से कहा था 70-75 में, जब बहुत पेसिमिज्म थी। हाउस ऑफ पिरामल से वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, और 140 पे भी मैं कहूंगा शेयर महंगा नहीं है, लेने की चेष्टा कीजिए या सिप कीजिए, लेकिन डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ये शेयर आगे भी आपको बहुत अच्छे पैसे देगा। ठीक है, आगे भी बढ़िया पैसा बनाकर देगा आपको पिरामल फार्मा। आयशर मोटर्स के अनुमान के मुताबिक नतीजे हैं, डिविडेंड दिया है ₹51 का और प्रॉफिट में 18% का उछाल है, और मार्जिन भी करीब करीब 2% की इंप्रूवमेंट है, 26% के आसपास की मार्जिन भी है। आयशर मोटर, वसीम साहब आपकी राय? अभिषेक जी, सब कुछ प्राइस में है, आयशर और टाटा मोटर पे मेरा यूनिवर्सल ओपिनियन है, एवरीथिंग इज इन द प्राइस। बहुत अच्छे मैनेजमेंट, बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। मेरे यहाँ पे सिर्फ एक पिक है, अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड ने कल और परसों में 2 न्यू हाई मारा है। अशोक लीलैंड मेरे लिए ₹300 का स्टॉक है, तो मैं कह रहा हूँ इनमें 50% अपसाइड नहीं आएगा, अशोक लीलैंड में 50% अपसाइड जरूर आएगा। तीन चीजें, बस मार्केट में 53% मार्केट शेयर, इंडिगो फ्लाइंग हाई जिसमें सारी ब्लू बसेस उनकी हैं, ईवीज में अच्छा एक्सपेंशन, और उनका जो इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है दोस्त, वो हॉट केक की तरह बेच रहा है। तो कन्वर्ट आयशर एंड टाटा मोटर इनटू अशोक लीलैंड, ये ₹300 चले जाएगा आपको इस साल में। आयशर और टाटा मोटर्स में चीजें प्राइस्ड इन है, सब कुछ भाव में है, जो भी पॉजिटिव है, अशोक लीलैंड में शिफ्ट करने की आपको जरूरत है, ऐसा वसीन साहब का मानना है। अगला शेयर थर्मेक्स, अनुमान के मुताबिक नतीजे, मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, एबिडा के फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन, 36% का उछाल, थर्मेक्स इसमें क्या करें भसीन साहब? अभिषेक जी, मैंने पहले भी कहा थर्मेक्स, एबीबी, सीमेंस आज न्यू हाइस पे चले जा रहे हैं, क्योंकि नए लॉन्चेस हैं म्यूचुअल फंड से ऑन कैपेक्स, कैपेक्स इज फुली प्राइस्ड, और अब आप एक साल फॉरवर्ड की अर्निंग ले रहे हैं, ये सस्ते शेयर नहीं है, इनमें आपके पास अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना नहीं है, अर्निंग्स और उनकी जो मैनेजमेंट है बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैंने थर्मैक्स 13-14-1500 में लिया हुआ है, 6000 रुपए पे जस्टिफाई करना मुश्किल है। मैं अभी भी सोचता हूँ आईटी एंड एफएमसीजी आर गुड रेयर गार्ड शेयर्स, जहाँ पे प्राइस अपॉर्चुनिटी इज बेटर, सो होल्ड फॉर मी इज द रेटिंग, एंड स्लोली बट श्योरली इफ यू हैव इट, बुक सम प्रॉफिट। थोड़ी सी मुनाफा वसूली करने की सलाह है, लेकिन आप इसमें होल्ड कर सकते हैं शेयर को। अगला शेयर है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग, नतीजे अच्छे हैं, एनआई 32% बढ़ी है, मुनाफे में 27% का, पीपीओपी में 29% का उछाल है, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग, वसीम साहब आपकी राय? सर होल्ड है ये, क्योंकि देखिए ये यूज्ड कार मार्केट में श्रीराम फाइनेंस के बाद सबसे बेस्ट प्ले है, और ये यहाँ एक मार्केट लीडर है जिसकी पेडिग्री मैनेजमेंट और जिसको कहते हैं ट्रस्ट,
सोने का भाव क्यों मथुट मनापुरम है, क्योंकि ट्रस्ट है। इसी तरह से श्रीराम फाइनेंस और चोला उस केस में बहुत अच्छे हैं, तो मैं सोचता हूँ होल्ड है। स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, बट अभी अभी आई वुड एडवाइज बोथ दीज कंपनीज टू बी होल्ड। एक और आपसे भसीन साहब, एक क्या दो एक साथ बता दीजिएगा, स्पेंसर रिटेल के नंबर आए हैं, एबिटा लॉस है 12 करोड़ रुपए का, घाटा इनका बढ़ा है, ये कमज़ोर नतीजे स्पेंसर रिटेल के। और दूसरी जो कंपनी आपसे हम जानेंगे वो है आरती इंडस्ट्रीज़ का, इसके प्रॉफिट में, एबिटा में, रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा नहीं, मॉडरेट हम एक बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो स्पेंसर रिटेल और आरती इंडस्ट्रीज़, बस ये बता दीजिए इसमें क्या करना है। मैं स्पेंसर अवॉइड कीजिए, और जैसे मैंने पहले भी कहा ट्रेंड की जगह ABFRL मुझे बहुत पसंद है, एज ए जो आपकी बिजनेस ABFRL में फैशन और रिटेल का है वो आई थिंक आर्ग्यूएबली द बेस्ट है, और वहाँ ग्रोथ पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। आई वुड से कन्वर्ट स्पेंसर इनटू ABFRL। दूसरा आपने जो नाम लिया है मैं ध्यान से उतर रहा है, कैन यू रिपीट दैट? प्लीज भसीन साहब, दूसरा आरती इंडस्ट्री हमने 450-450 में लिया है। देखिए अभिषेक जी, स्पेशलिटी केमिकल में बॉटमिंग आउट, जो प्रोडक्ट आरती बनाती है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड सिनेरियो में है। एक आध क्वार्टर और इनको स्टेबलाइजेशन में लगेगा, लेकिन आरती, अथुल, नवीन फ्लोरिन और SRF ये टाइम है इनमें पैसा डालने का। चाइना इज कमिंग बैक वेरी स्ट्रॉन्गली कमोडिटीज में है और स्पेशलिटी, तो आरती ऑन डिक्लाइन बाय, आपको सिप करना है सिप कीजिए। 450 वाला 660 हो गया, लेकिन इसमें पोटेंशियल है कि ये 850 भी चले जाए इन दिस ईयर। उसी तरह से मुझे बहुत बुलिश हूँ ओवर द नेक्स्ट 6 months ऑन SRF, नवीन फ्लोरो एंड अतुल। ठीक है बसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और अपने शेयर बताने के लिए, और रिजल्ट एक्शन पर अपनी बिल्कुल सटीक राय, बेबाक राय भी शेयर करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए।